जो आज हम पोइम करने वाले हैं उसका नाम है वी आर सेवन। इसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। विलियम वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक पोइट है ना, रोमांटिसिज्म के पोइट हैं, फर्स्ट जनरेशन में आते हैं। एंड इन्होंने और सैमुअल टेलर कॉलरिज ने एक कोलैब बनाया था। इन्होंने एक कंपाइल्ड ढेर सारे वर्क्स का एक कंपाइलेशन बनाया था जिसे हम कहते हैं लिरिकल बैलेड्स। और उसी के जो लिरिकल बैलेड्स हैं इसे माना जाता है कि उसी टेक्स्ट ने, वो जो इंटायर बुक है, कलेक्शन है, उसी की वजह से जो रोमांटिक पीरियड है वो किक स्टार्ट हो पाया है ना। सो वी आर सेवन भी उसी का पार्ट था जो कि 1798 में आया था, है ना। 1798 में ये जो कलेक्शन है ये पब्लिश हुआ था। तो हम स्टार्ट करते हैं पोएम। देखिए, पोएम के अंदर एक सिंपल सी बात है, जो पोएट है, जो इसमें नरेटर है, वो एक बच्चे से कह रहे हैं, एक बच्चे के साथ उनका कन्वर्सेशन है, जहाँ पे बच्चा ये बार बार बोल रहा है कि मेरी हम सात भाई बहनें हैं। और नरेटर ये दिखाना चाहता है कि नहीं, आप सात नहीं हैं, बिकॉज दो मर चुके हैं ना। तो जैसे कि एज एडल्ट्स हमें पता होता है कि नो, लाइक डेथ के बाद कि डेथ के बाद एक पर्सन मर चुका है ना। सो हम उसे गिनती हम गिनते नहीं उसे, है ना। वहीं पे जो बच्ची है वो नाइव है ना, वो अभी भी इनोसेंट है। सो उसके लिए डेथ उतना लाइक वैसा वैसा नहीं है जैसा एक बड़े के परस्पेक्टिव से वैसा होता होगा ना। जो पोएम है उसे इयाम्बिक टेट्रामीटर और इयाम्बिक ट्राईमीटर में लिखा गया है। सो इसे हम कॉमन मीटर भी कहते हैं बिकॉज दो यूज़ हो रहे हैं। ओके, एंड या टोटल मिला के 16 फोर स्टैंजा मिलेंगे आपको, मतलब चार चार स्टैंजा के जो चार चार सेंटेंस के जो स्टैंजा है ये आपको टोटल मिला के 16 मिलेगा। एंड जो जो 17th है वो 5 लाइन्स का है ना। तो या हम स्टार्ट करते हैं। तो जो पोएट है, जो नरेटर है, वो स्टार्ट करते हैं। वो बोलते हैं, अ सिंपल चाइल्ड दैट लाइटली ड्रॉज इट्स ब्रेथ एंड फील्स इट्स लाइफ इन एवरी लिम्ब, वॉट शुड इट नो ऑफ डेथ, है ना। तो एक क्वेश्चन है, एक रिटोरिकल क्वेश्चन है कि एक छोटा सा बच्चा उसे क्या ही पता होगा ना, जिस जिस जो जो सांसें ले रहा है, दैट लाइटली ड्रॉज इट्स ब्रेथ, है ना। वो धीरे धीरे अपनी सांसें ले रहा है एंड फील्स इट्स लाइफ इन एवरी लिम्ब, और उसके हर बॉडी पार्ट में, है ना, हाथों में, पैरों में, वो फील कर पा रहा है ये लाइफ, यू नो, कि लाइफ सर्च कर रहा है उसके अंदर से, वो जिंदा है। वॉट शुड इट नो ऑफ डेथ, उसे क्या ही पता होगा मरण के बारे में, है ना, डेथ के बारे में उसे क्या ही नॉलेज होगी। नेक्स्ट 4 लाइन से, आई मेट अ लिटिल कॉटेज गर्ल, शी वॉज 8 ईयर्स ओल्ड, ही सेड, हर हेयर वॉज थिक विद मैनी अ कर्ल एंड दैट क्लस्टर्ड राउंड हर हेड। तो कहती है, मैं एक कॉटेज गर्ल से मिला, मैं एक विलेज गर्ल से मिला ना, जो कुटिया में रहती है ना, कॉटेज में रहती है, हट में रहती है। शी वॉज 8 ईयर्स ओल्ड, शी सेड, और उसने कहा कि वो 8 साल की है। हर हेयर वॉज थिक, उसका जो हेयर है वो थिक है ना, लाइक बहुत ही पतला नहीं है, मोटा सा है ना, थिक है। एंड विद मैनी अ कर्ल, और ढेर सारे कर्ल है ना, कर्ली हेयर है उसके, जो बच्ची है, दैट क्लस्टर्ड राउंड हेड, है ना, जो उसके हेड के ऊपर क्लस्टर बना के, मतलब ढेर सारे कर्ली हेयर है, सो एक साथ है वो, है ना, क्लस्टर बना के उसके हेड के ऊपर है। शी हैड रस्टिक वुडलैंड एयर एंड शी वॉज वाइल्डली क्लैड, हर आईज वर फेयर एंड वेरी फेयर, हर ब्यूटी मेड मी ग्लैड। तो सी, रस्टिक मतलब होता है काइंड लाइक गाँव वाला, है ना, आई वुड से गाँव का, है ना, गाँव वाले एरिया का, सो विलेज विलेज टाइप, है ना। और जो वुडलैंड है वो है ऐसा एक जगह जहाँ पे ट्रीज़ हो, है ना, ऐसा एक लैंड जहाँ पे ट्रीज़ हो। वाइल्डली मतलब वाइल्डली का असली मतलब कि इन अ वे मतलब होता है कि सैवेज टाइप का, बट यहाँ पे इसका मतलब है डर्टी, और क्लैड मतलब पहनना, है ना, क्लोथ्स, क्लोथ्ड, है ना। सो शी हैड अ रस्टिक वुडलैंड एयर, तो जो उसे देख के आ सकता है कैसे कि ये गाँव की है, गाँव वाले एरिया की है। एंड शी वॉज वाइल्डली क्लैड, और उसको सब जगह धूल लगा था ना, धूल से उसका पूरा का पूरा जो उसका शर्ट था, जो उसने पहना हुआ था, वो डर्टी था, है ना। ओके, हर हेयर सॉरी हर आईज वर फेयर, और उसकी जो आंखें हैं वो बहुत ब्यूटीफुल थी, लवली थी, है ना, एंड वेरी फेयर, और बहुत ही लवली थी। हर ब्यूटी मेड मी ग्लैड, और उसकी जो ब्यूटी है, उसकी जो सुंदरता है, उसे देख के मैं मोहित हो गया ना, मुझे वो बहुत अच्छा लगा, आई फेल्ट ग्लैड, है ना। नेक्स्ट जो 4 लाइन है वो है, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स लिटिल मेड, हाउ मैनी मे यू बी, हाउ मैनी, 7 इन ऑल, ही सेड एंड वंडरिंग लुक्ड एट मी। तो अब मैंने उससे क्वेश्चन पूछा, जो हमारा नरेटर है वो उनसे क्वेश्चन पूछता है, लड़की से क्वेश्चन पूछता है कि कितने भाई बहन हो आप, है ना, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स लिटिल मेड, हाउ मैनी मे यू बी, कितने हो आप, कितने भाई बहन हो। तो जो लड़की है वो बोलती है, शी सेड, हाउ मैनी, 7 इन ऑल, कि कितने हम साथ हैं, है ना, 7 टोटल टोटल हम लोग साथ हैं।
एंड वंडरिंग लुक्ड एट मी, और मेरी तरफ उसने क्यूरियसली देखा ना, वंडर करते हुए क्यूरियसली उसने मेरी तरफ देखा। एंड वेयर आर दे आई प्रे यू टेल, शी एंसर्ड, सेवन आर वी एंड टू ऑफ अस एट कॉनवे ड्वेल एंड टू आर गॉन टू सी। तो मैंने उससे पूछा कि कहाँ है वो, आपके साथ, आपने कहा आपके साथ भाई बहन हैं, आप कहाँ हैं वो, आई प्रे यू टेल, आप बताइए, यू नो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप बताइए। शी एंसर्ड, सेवन आर वी, उस तो जो बच्ची है उन्होंने कहा, बच्ची ने कहा कि हम सात हैं, सेवन हैं, एंड हम में से जो दो हैं वो कॉनवे में रहते हैं ना, कॉनवे इंग्लैंड में एक जगह है, तो सी ड्वेल करना मतलब रहना कहीं पे, स्टे करना है ना। सो वो कहती है कि दो तो हमारे, हम में से हमारे लाइक भाई बहनों में से दो दो तो कॉनवे में रहते हैं, है ना, एंड टू आर गॉन टू सी, और दो समुंदर में चले गए, है ना। सो लाइक वो समुंदर में ट्रैवल कर रहे हैं, मे बी सेलर्स होंगे, हु नोस। टू ऑफ अस इन चर्च, इन द चर्च यार्ड लाई माई सिस्टर एंड माई ब्रदर एंड इन द चर्च यार्ड कॉटेज आई ड्वेल नियर विद माई मदर। तो वो कहती है कि और दो है जो, सी उन्होंने चार लोगों के बारे में बता दिया ना कि दो तो कॉनवे गए हैं और दो है समुंदर में। तो और अब बोलती है कि टू ऑफ अस इन द चर्च यार्ड लाई, सी चर्च यार्ड होता है जो चर्च होता है ना, चर्च के आसपास वाला जो जगह होता है, यार्ड होता है ना, यूजुअली उसे ग्रेव्स के लिए यूज़ करते हैं, लोगों को दफनाने के लिए यूज़ करते हैं ना। सो वो कहती है कि था दो चर्च यार्ड में सो रहे हैं, मतलब उनकी डेथ हो चुकी है, माई सिस्टर एंड माई ब्रदर, तो उनमें से एक उसकी, इनकी सिस्टर है और एक ब्रदर है ना, एक भाई है एक बहन है जो मर गए हैं। एंड इन द चर्च यार्ड कॉटेज, और जो इस चर्च के आसपास जो कॉटेज है ना, एक कूड़ा सा एक हट है या घर है, आई ड्वेल नियर देयर, नियर देम विद माई मदर, और मैं वहीं पर ही अपनी मम्मी के साथ लाइक रहता हूँ, है ना, पास में ही। यू से दैट, तो अब जो हमारा नरेटर है वो बोलता है, यू से दैट टू एट कॉनवे ड्वेल एंड टू आर गॉन टू सी, येट हियर सेवन आई प्रे यू टेल मी, आई प्रे यू टेल स्वीट मेड मेड हाउ दिस मे बी। तो वो कहता है जो हमारा नरेटर है कि आप कह रही है कि दो तो कॉनवे में गए हैं ना, दो तो कॉनवे में रहते हैं और दो चले गए हैं समुंदर में, पर इसके बाद भी आप लोग साथ हैं, यू नो सेवन हैं। आई प्रे यू टेल स्वीट मेड हाउ दिस, हाउ दिस मे बी। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ स्वीट मेड, अच्छी बच्ची है ना, मतलब प्यारी बच्ची, कि ऐसा कैसे हो सकता है ना कि दो तो कॉनवे में हैं, दो तो समंदर में हैं, बट आप साथ कैसे हुए फिर। तो जो लिटिल मेड है, जो बच्ची है, वो आंसर करती है, रिप्लाई देती है, देन डिड द लिटिल मेड रिप्लाई, सेवन बॉयज एंड गर्ल्स आर वी, टू ऑफ अस इन द चर्च यार्ड लाई बीनीथ द चर्च यार्ड ट्री। तो वो कहती है कि हम सात भाई बहन हैं, बिकॉज दो तो चर्च यार्ड में सो रहे हैं ना, चर्च यार्ड में वो लोग लेटे हुए हैं, चर्च यार्ड ट्री के नीचे, है ना, चर्च के यार्ड में जो ट्री है उसके नीचे, है ना, बीनीथ मतलब नीचे होता है। यू रन अबाउट माई लिटिल मेड, योर लिम्स दे आर अलाइव, इफ टू आर एट इन द चर्च यार्ड लेड देन ये आर ओनली फाइव। तो वो कहता है, जो हमारा नरेटर है वो कहता है कि आप दौड़ सकती है ना, यू रन अबाउट, आप दौड़ पाती है यहाँ वहाँ से लिटिल मेड, योर लिम्स दे आर अलाइव, आपके जो हाथ पैर है वो जिंदा है ना। दैट इफ़ टू आर इन द चर्च यार्ड लेड, अगर दो आपके दो भाई बहन चर्च यार्ड में लेटे हुए हैं ना, ग्रेव के अंदर है, देन ये आर ओनली फाइव, तो फिर तो आप लोग पाँच ही हुए है ना, दो तो मर चुके हैं। देयर ग्रेव्स आर ग्रीन, दे मे बी सीन, द लिटिल मेड रिप्लाइड, 12 steps और मोर फ्रॉम माई मदर्स डोर एंड दे आर साइड बाई साइड। तो वो कहती है उनके ग्रेव, जो उनका उनका जो ग्रेव है, उनका जो यू नो जहाँ पे उनको दफनाया गया है, वो अभी भी ग्रीन है ना, वो उसके ऊपर अभी भी लाइक उसके ऊपर जो और ग्रास उग गए होंगे ना, सो वो अभी भी ग्रीन है, एंड दे मे बी सीन, और वो दिखते हैं ना, दिख रहे हैं उसके ऊपर जो भी उगा है, जो भी पेड़, जो भी घास उगा है, उसे देख पा रहे हैं हम। द लिटिल मेड रिप्लाइड, लिटिल मेड ने ऐसा कहा, 12 steps और मोर फ्रॉम माई मदर्स डोर, तो और ये जो जगह है, जो ग्रेवयार्ड है, वो 12 step दूर है ना, 12 steps और से और मोर है ना, थोड़ा सा ज़्यादा है ना, तो 12-13 steps दूर है मम्मी के घर से, मम्मी के डोर से, एंड दे आर साइड बाई साइड, और वो लोग साइड बाई साइड लेटे हुए हैं ना, जो दोनों शव हैं उनको साथ में ही दफनाया गया है, वो साइड बाई साइड है। माई स्टॉकिंग सेयर आई ऑफन निट, माई कर्चीफ देयर आई हेम, एंड देयर अपॉन द ग्राउंड आई सेट एंड सिंग अ सॉन्ग टू देम। तो वो कहती है कि मैंने अपना जो स्टॉकिंग है ना, जो पैर में पहनते हैं लंबा सा, लंबा सॉक्स होता है, उसे मैंने वहीं पर निट किया, वहीं पर मैंने बुना उसे। My kerchief, there I am, और जो मेरा handkerchief है ना, जो जो हमारा रुमाल है, जो मेरा रुमाल है, वो मैंने वहीं पे उसको, उसकी जो बॉर्डरिंग है मैंने वहीं पे की है ना, उसको मैंने जो सिलाई की है वो मैंने वही की है।
एंड देयर अपॉन द ग्राउंड आई सेट, और वही ग्राउंड के ऊपर मैं बैठ के आई सिंग अ सॉन्ग टू देम, मैं उनके साथ उनको गाना सुनाता हूँ ना, मैं उनके लिए गाना गाता हूँ, गाना गाती हूँ, है ना। एंड ऑफन आफ्टर सनसेट सर व्हेन इट इज़ लाइट एंड फेयर आई टेक माई लिटिल पॉरेंजर एंड ईट माई सपर देयर। तो वो कहती है कि जब और कभी कभी ऑफन मतलब बारंबार जब सनसेट हो जाता है मतलब सूर्य अस्त हो जाता है सर, व्हेन इट इज़ लाइट एंड फेयर, जब सब कुछ लाइक जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही अच्छा होता है ना, जब बहुत ही अच्छा समय होता है ना, यहाँ पे लाइट एंड फेयर का मतलब है जब बहुत ही खुशनुमा मेरा वो होता है ना, खुशनुमा माहौल होता है, लाइट एंड फेयर। आई टेक माई लिटिल पॉरिज एंड ईट माई सपर देयर, तब मैं क्या करता हूँ, मैं अपना जो लाइक पॉरिंजर है, पॉरिंजर पॉरिंजर मीन्स वो सूप रखने का बाउल है ना, तो मैं अपना बाउल लेता हूँ जो मेरा यूटेंसिल है जिसमें मैं खाना खाता हूँ, स्पेशली सूप पीती हूँ, एंड आई ईट माई सपर देयर, और वहाँ जाके मैं सपर पी सपर खाता खाती हूँ, लाइक यू नो लाइक खाना खाती हूँ, है ना, एंड ईट माई सपर देयर, वहाँ पे बैठ के मैं उन्हीं के साथ खाती हूँ। द फर्स्ट दैट डाइड वॉज सिस्टर जेन, इन बेड शी मोर्निंग ले टिल गॉड रिलीज्ड हर ऑफ हर पेन एंड देन शी वेंट अवे। तो वो कहती है कि जो सबसे पहले जो हमारी एक भाई और एक बहन मर चुकी है, उनमें से जो सबसे पहले मरी है वो है, जिनकी डेथ सबसे पहले हुई है वो है सिस्टर जेन, है ना, जेन नाम की उनकी सिस्टर है, उनकी डेथ पहले हुई है। इन बेड शी मोर्निंग ले, और उन्हें क्या याद है कि वो जो बेड पे है, बेड के ऊपर सोते हुए वो मोन करती थी, है ना, तो उसे दर्द होता था, उसे दर्द होता था और वो दर्द में लाइक मोन करती थी ना, आवाज़ निकालती थी। सो या टिल गॉड रिलीज्ड हर ऑफ हर पेन एंड देन शी वेंट अवे, और कब तक वो उसने ये आवाज़ें निकाली कि दर्द वाली आवाज़ें निकाली, जब तक भगवान ने उसकी पेन जो सारा पेन है वो हर नहीं लिया, है ना, मतलब भगवान ने उसे काइंड अपने पास बुला लिया। टिल गॉड रिलीज्ड हर ऑफ हर पेन एंड देन शी वेंट अवे, और उसके बाद वो वहाँ से चली गई, है ना, बिकॉज वो उनकी उसकी उनकी डेथ हो गई। सो इन द चर्च यार्ड शी वॉज लेड एंड वेन द ग्रास वॉज ड्राई टुगेदर राउंड हर ग्रेव वी प्लेड माई ब्रदर जॉन एंड आई। तो अगेन हमारी जो ये लड़की है ये कहती है, सो इन द चर्च यार्ड शी वॉज लेट, कि मरने के बाद जो हमारी ये बहन है जेन, इनको चर्च यार्ड में ही दफना दिया गया, सुला दिया गया। एंड वेन द ग्रास वॉज ड्राई, और कभी कभी जब बारिश नहीं होती थी ना, ग्रास वॉज ड्राई मतलब घास सूखा है, सूखा तब होता है जब बारिश नहीं होती है ना, तो जब घास सूखा होता है, टुगेदर राउंड हर ग्रेव वी प्लेड, तो उसके ग्रेव के चारों तरफ ना आस पास ना राउंड मैं और मेरा भाई, यू नो लाइक मैं और मेरा भाई जो जॉन है वो हम वहाँ पे खेलते थे, है ना। एंड वेन द ग्राउंड वॉज वाइट विथ स्नो एंड आई कुड रन एंड स्लाइड माई ब्रदर जॉन वॉज फोर्स टू गो एंड ही लाइज बाई हर साइड। तो अब ये जो जॉन है, जॉन जो इनका भाई है, इसकी भी इनकी भी डेथ होने वाली है। सो ये कहती है एंड वेन द ग्राउंड वॉज वाइट विथ स्नो, जब लाइक पूरा जो ग्राउंड है वो स्नो से भर जाता था, है ना, इंग्लैंड की सेटिंग है वहाँ पे ऐसा होता रहता है ना, जो बर्फ़ गिरती रहती है, सो वो कहते हैं कि जो ग्राउंड है वो वाइट था, है ना, वॉज वाइट विथ स्नो, लाइक ठंडी आ गई थी, स्नो बर्फ़ गिर रही थी, बर्फ़ से पूरा जो ग्राउंड है वो ढक गया था। एंड आई कुड रन एंड स्लाइड, और मैं खेल सकती थी ना, मैं उसके ऊपर दौड़ सकती थी और मैं उसके ऊपर स्लाइड कर सकती थी, स्लाइड कर सकती थी, हाँ, ये उस टाइम की बात है। माई ब्रदर जॉन वॉज फोर्स टू गो, बट जो मेरा भाई है उसे जाना पड़ा है ना, उसको उसे फोर्सफुली जाना पड़ा है ना, उसको उसका टाइम आ गया, एंड ही लाइज बाई हर साइड, और वो उसी जो हमारी बहन जेन है उन्हीं के साइड में उसको सुला दिया गया, वहीं पे उनको उसको दफना दिया गया। हाउ मैनी आर यू देन सेड आई इफ दे टू आर इन हेवन, क्विक वॉज द लिटिल मेड्स रिप्लाई ओ मास्टर वी आर सेवन। सो वो कहती है मतलब जो हमारे नरेटर है वो कहते हैं कि तो फिर आप कितने हुए, है ना, हाउ मैनी ऑफ यू आर देन, यू नो यू आर यू देन, तो आप कितने हुए लिटिल लेडी, इफ दे टू आर इन हेवन, अगर वो दोनों स्वर्ग चले गए तो आप दोनों आप कितने हुए, है ना, अभी कितने भाई बहन आप बचे। क्विक वॉज द लिटिल मेड्स रिप्लाई, और जो क्विक जो बच्ची है उन्होंने बहुत जल्दी ही बहुत क्विकली आंसर दे दिया, ओ मास्टर हम सात है ना, हम अभी भी सेवन हैं। बट दे आर डेड, दोज टू आर डेड, देयर स्पिरिट आर इन हेवन, देयर स्पिरिट्स आर इन हेवन, टू आस थ्रोइंग वर्ड्स अवे, फॉर स्टिल द लिटिल मेड वुड हैव हर विल एंड सेड ना वे आर सेवन। सो तो ये एंड ये लास्ट स्टैंजा है जो 5 लाइंस का है, तो वो कहती है बट दे आर डेड, दोस्त टू आर डेड, है ना,
कि वो बट वो मर चुके हैं, वो दोनों मर चुके हैं, देयर स्पिरिट्स आर इन हेवन, उनके तो उनकी जो आत्माएं हैं, उनकी जो स्पिरिट्स है वो हेवन में है, स्वर्ग में है। इट वॉज़ सो ये जो वर्ड है ये है, इट वॉज थ्रोइंग वर्ड्स अवे नो। तो ये ऐसा था, ये जो लड़की है, जो हमारी छोटी बच्ची है, इनके साथ आर्ग्यूमेंट करना इस बात इस चीज़ पे और बातें करना ये बेकार है, वर्ड्स वेस्ट हो रहे हैं मेरे, इट वॉज थ्रोइंग वर्ड्स अवे, यू नो, जैसे कि आप जो वर्ड्स हैं उसे फालतू ही फेंके जा रहे हैं। फॉर स्टिल द लिटिल मेड वुड हैव हर विल, क्योंकि अभी भी आप जितना भी उससे बात कर लो वो यही बोलेगी, वो लास्ट तक अपने इस स्टेटमेंट से हटेगी नहीं, वो यही बोलेगी एंड सेड ने वेयर सेवन, कि ना हम तो साथ हैं। सी पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो जो छोटी बच्ची है उसके लिए डेथ वैसा नहीं है जैसा हमारे लिए है ना, जैसे बड़े लोग के लिए, बिकॉज बड़े लोग काइंडा ये देख पाते कि या वो पर्सन चला गया, वापस नहीं आ रहा, एटसेट्रा एटसेट्रा, हम काइंडा धीरे धीरे मूव ऑन कर जाते हैं। बट देन छोटी बच्ची के लिए सारी चीज़ें तो वो कर पा रही है, वो साइड में जाके निटिंग कर पा रही है जैसा वो पहले कर पाती थी, ऑलमोस्ट सभी काम वो अभी भी कर पाती है ना, उसके लिए डेथ का सिग्निफिकेंस वैसा नहीं है जैसा हमारे लिए है। तो एक दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखाए गए हैं, और या यही है हमारा पोएम वी आर सेवन, कि हम साथ हैं, हम सात भाई बहन हैं। जो लिखने वाले पर्सन हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, रोमांटिसिज्म पोएट के पोएट हैं, एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके एंड या टोटल मिला के 16 फोर लाइन स्टैंजाज है, एक फाइव लाइन स्टैंजा है लास्ट में, एंड ईएमबिक ट्राईमीटर एंड ईएमबिक टेट्रामीटर में लिखा गया है, सो आप कह सकते हैं कि कॉमन मीटर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, या